एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू जुडिशरी वाला यूट्यूब चैनल, जहां पे आज डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ जो कि हमारे सीआरपीसी दैट इज टू से बीएनएसएस 2023 के पर्सपेक्टिव से बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। कई बार आपको प्री में पूछा जाता है, कई बार मेंस में डायरेक्ट वो गाइडलाइंस के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिस्कस द गाइडलाइंस इन्यूमरेटेड विद रिस्पेक्ट टू अरेस्ट ऑफ अ पर्सन और रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। अरेस्ट ऑफ पर्सन में आप डीके बासु का केस तो डेफिनेटली पढ़ते हो, लेकिन एफआईआर फाइल होने के बाद कि अरेस्ट को किस तरीके से डील करना है, क्या हमें कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चाहिए या नहीं चाहिए एफआईआर फाइल करने से पहले या अरेस्ट करने से पहले, तो जो स्पेसिफिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का लैंडमार्क केस है दैट इज ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इससे पहले डीके बासु का भी केस हम लोग सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, पर उस केस को ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के साथ कंपेयर करते हुए हम आने वाले सेशंस में कवर करने वाले हैं। तो आखिर इस केस में फैक्ट्स क्या थे और क्या कहना था पार्टीज का इस चीज को, दैट इज उसे दोनों कंटेंशंस को समझते हुए एक तो इशू समझना है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट समझना है। जजमेंट के साथ हमें ये देखना है कि आखिर इस केस का इतना क्या इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज सर्टन लैंडमार्क केसेस आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर जजमेंट और व्हाट वाज हेल्ड इन देम, बट ऑल्सो उसका आफ्टरमैथ क्या हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। तो ये बहुत ही फेमस केस है, सबसे पहले हम इसके फैक्ट्स पढ़ेंगे। फैक्ट्स में ये कहा जा रहा है, A writ petition under Article 32 of Indian Constitution has been filed by Lalita Kumari. Lalita Kumari ne Article 32 of Constitution ke tahat writ petition file ki. Aur ye yachika mein kya kaha? Lalita Kumari is a minor through her father. Father ke through ye writ petition court mein aayi hai. Shri Bhola Kamat for issuance of writ of habeas corpus or direction of the same kind against the respondent. रिट कौन सी इन्होंने इशू करवाई है? हैबियस कॉर्पस की रिट इशू करवाई है, या फिर कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया दैट प्लीज प्रोवाइड द डायरेक्शंस अगेंस्ट होम अगेंस्ट अ रिस्पोंडेंट। नाउ हु इज अ रिस्पोंडेंट ओवर हियर, लेट्स फाइंड इट आउट हियर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज माइनर डॉटर हु हैज बीन किडनैप्ड। दैट इज टू से पिताजी ने ललिता कुमारी के इस पर्टिकुलर प्रोटेक्शन के लिए रिट पिटीशन फाइल की है कि वो बच्ची जो है वो किडनैप हो चुकी है, आप प्लीज उसके रिलीज के लिए हैबियस कॉर्पस की जो रिट है उसको एंटरटेन कीजिए, सो दैट एज अ फादर एज अ लॉफुल गार्डियन उनको कस्टडी मिले। द ग्रीवेंस इन दैट रिट पिटीशन इज दैट ऑन 11th of May 2008 11/5/2008 द कंप्लेनेंट सेंट अ रिटन रिपोर्ट बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कंसर्न। पहले उन्होंने लिखित एक रिपोर्ट दर्ज कर दी है पुलिस ऑफिसर के पास, who did not take any action on the same matter. Police officer ne koi sangyan abhi tak liya nahi hai, us particular mamle mein FIR file nahi kiya hai. After that, when the superintendent of police was transferred, wo particular chief superintendent of police ko di, FIR was registered. Phir FIR register kiya, zahir si baat hai bhaiya, upar se pressure aa raha hai, FIR register karni padegi. According to the complainant, No action was taken either to prosecute the perpetrator or to rescue the minor child. तो उनके जो पिताजी थे भोला कामत जी, उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा कि ना ही यहाँ पे perpetrator के अगेंस्ट कोई prosecution हुआ, FIR दर्ज नहीं करवाई गई थी, ना ही कोई एक्शन लिया गया, ना ही उनकी बच्ची माइनर बच्ची को छुड़वाने के लिए ऐसा कोई कदम पुलिस के थ्रू उठाया गया है। अब इशू ये आया था कि क्या जब भी हम ऐसी एफआईआर फाइल करें क्या कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी है कि वाकई द मैटर प्राइमा फेसा अगर नहीं दिख रहा है कि उसमें कोई वाकई दम है तो क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी है टू फाइंड इट आउट वेयर रियली द मैटर इज मेड आउट और नॉट और वेदर द पुलिस शुड इन्वेस्टेड टाइम इन मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन और नॉट। सो दिस वॉज द मेजर इशू पढ़ेंगे। इट सेज वेदर अ पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर, क्या हर सिचुएशन में उन्हें एफआईआर फाइल करनी करनी पड़ेगी सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में और नॉट। अपॉन रिसीविंग एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन और कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 154 सीआरपी सीआरपीसी में कौन से ऑफेंसेस के लिए हम स्टूडेंट्स एफआईआर फाइल करते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस। और द पुलिस ऑफिसर हैज अ पावर टू कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, या फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने का पुलिस के पास क्या डिस्क्रिप्शन है कि वेट वेट वी विल सजेस्ट योर सॉरी वी विल रजिस्टर एफआईआर प्रोवाइडेड कि हम पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर ले इन ऑर्डर टू टेस्ट द वेरासिटी ऑफ सच इन्फॉर्मेशन बिफोर रजिस्टरिंग द सेम। नाउ स्टूडेंट्स यू ऑल्सो थिंक ऑन योर लेवल दैट इफ द पुलिस ऑफिसर इज गिवन अ डिस्क्रिप्शन टू फाइंड आउट और टू मेक एन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी विल दे नॉट try to hide certain facts or will they not try to, agar maan lo aisa rarest of rare case mein koi political pressure aa gaya corruption aa gaya to kya pata wo us cheez ko avoid kare fir ko register karne se
और कभी स्टेट के नॉलेज में नहीं आया, कोर्ट के नॉलेज में ही नहीं आया कि ऐसी कोई चीज या ऑफेंस हुआ है। सो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट देते हुए ये देखो क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले जजमेंट में ये बोला गया, इट इज मैंडेटरी टू फाइल एफआईआर अंडर 154, नो अगर मगर किंतु परंतु, एफआईआर के लिए कोई भी इंफॉर्मेंट आपके थाने में आया आपको एफआईआर फाइल करनी है, प्रोवाइडेड आप ये बस देख लो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं है। इफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल क्राइम एंड नो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज परमिसेबल, कोई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं करनी और उसके बाद एफआईआर फाइल करें, नहीं, इन्फॉर्मेंट आया थाने में आप एफआईआर फाइल करो। इफ द इंफॉर्मेशन डज नॉट रिवील अ कॉग्निजेबल ऑफेंस बट सजेस्ट द नीड फॉर इन्वेस्टिगेशन, अ फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन विल बी अंडरटेकन। दैट इज टू से अगर ये डिस्क्लोज हो रहा है कि कॉग्निजेबल नहीं है, संज्ञेय अपराध नहीं है, असंज्ञेय है, नॉन कॉग्निजेबल है, तब तो आपका पावर है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, पहले इन्वेस्टिगेशन करो, प्रोसीड करो, इन्फॉर्म द मैजिस्ट्रेट, व्हेन इन्फॉर्म व्हेन मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट्स यू देन आप उस पर्टिकुलर मामले में जो भी मैजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हो। फर्स्ट, सेकेंड इज इफ द इन्वेस्टिगेशन रिवील्स कॉग्निजेबल ऑफेंस द एफआईआर मस्ट बी रिपोर्टेड। इट इज नॉट, इफ इट इज नॉट द केस अ कॉपी ऑफ एंट्री ऑफ अ क्लोजर मस्ट बी सेंट टू द फर्स्ट इन्फॉर्मेंट इमीडिएटली एंड नो लॉन्गर देन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप जो क्लोजर कॉपी है वो एंट्री में, दैट इज टू से एंट्री लगा के आप क्लोजर कॉपी जो है इन्फॉर्मेंट को दीजिए कि हमें तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई मामला दिखता है, बन नहीं रहा है, बिकॉज बनता दिख नहीं रहा है, बिकॉज ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं और ना ही कोई मामला दिख रहा है उनको, तो वो अपनी साइड से क्लोजर कॉपी उनको दे देंगे। थर्ड, द कंक्लूजन ऑफ द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शैल नॉट एक्सीड 7 डेज। जहां पे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं, जहां उनको ये लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा और उस मामले में जब भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इट शैल नॉट एक्सीड 7 डेज। ध्यान रखना ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, दिस इज नॉट द इन्वेस्टिगेशन विच इज डन बाय पुलिस ऑफिसर आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, बिकॉज बेटा 7 दिन में तो इन्वेस्टिगेशन कैसा होगा, 60 से 90 दिन तो उनको चाहिए ही चाहिए 167 वाले, क्लियर है। सो यहाँ पे 7 दिन से ज्यादा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन नहीं जाएगी एंड ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग देयर टू शैल बी रिपोर्टेड इन द जनरल डायरी विच शैल बी केप्ट इन द पुलिस स्टेशन। तो उनकी जो भी जनरल डायरी पुलिस डायरी होती है उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन रखेंगे सो एज टू फाइंड इट आउट एंड कीप अ रिकॉर्ड कि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन उनको मिली थी। Exceptions under which preliminary inquiry can be made before registration of FIR. There are certain cases जो कि आपके कोर्ट ने पहले से mention करके दे दिए कि इन cases में आप क्या कर सकते हो, इन cases में आप preliminary inquiry conduct करो, mandatory इसमें तो करना ही करना है। Exception under which preliminary inquiry can be made before registration of FIR. Family dispute है, matrimonial dispute है, divorce का dispute है, उसमें क्रुएलिटी का डिस्प्यूट है, डाउरी डेथ का डिस्प्यूट है, ऐसा कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ तो पहले आप इंक्वायरी कीजिए। कमर्शियल ऑफेंसेस, कॉमर्स के रिगार्डिंग, रेवेन्यू के रिगार्डिंग, मेडिकल नेग्लिजेंस जिसको आप 106 सबसेक्शन 2 में और स्पेसिफिकली बताया गया है, सबसेक्शन 2 नहीं, सबसेक्शन 2 में तो ड्राइविंग का बताया, सबसेक्शन 1 में बताया एंड लगा के बताया, मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर व्हाइल मेकिंग एनी मेडिकल प्रोसीजर, अगर वो ऐसा रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट करते हैं then in that case उनका वहां सजा का प्रावधान दे रखा। करप्शन केसेस, केसेस वेयर देयर इज एबनॉर्मल डिले इन इनिशिएटिंग द क्रिमिनल प्रोसीजर, देन इन एवरी सच केस यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो सकती है। और ये लिस्ट कोई एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी चीजें इसमें एड ऑन की जा सकती है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ ये देखना है हमको, मेजर इम्पैक्ट क्या, इसका इम्पैक्ट BNSS में भी देखने को मिल रहा है। यस, वी आर गोइंग टू कंक्लूड दैट थिंग, द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इन विच सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स गाइडलाइंस फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इवन दो केस डज नॉट फॉल अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन। दैट मींस जीरो एफआईआर को भी यहां पे तवज्जो दिया गया, इन्होंने पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दिया, इवन इफ वो मैटर आपके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं हुआ है, यू आर बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर। आपके ज्यूरिसडिक्शन में है नहीं है, यू रजिस्टर इट एज जीरो एफआईआर एंड ट्रांसफर इट टू द पुलिस स्टेशन व्हिच एवर कंसर्न पुलिस स्टेशन इज हैविंग द ज्यूरिसडिक्शन इन दैट मैटर। But police officer cannot deny complainant the right to lodge an FIR under section 154 of CRPC. 154 of CRPC में बहुत अच्छी लाइन बोली, right to lodge FIR, आपका और हमारा अधिकार है। The Justice Verma Committee recommendation क्या बोला गया, which made in the wake of 2012 Nirbhaya gang rape case to implement zero FIR. इससे पहले भी इन्होंने बोला, इससे पहले भी Justice Verma की जो कमेटी थी उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं
जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने के लिए था तो पहले भी, बट बेटा इतनी सीरियसनेस से उस चीज को कवर नहीं किया जाता था। देर वर इंस्टांसेस जब पुलिस ऑफिसर्स ने रिफ्यूज कर दिया एफआईआर फाइल करने से अपना वर्कलोड कम करने के लिए। नेक्स्ट, फ्रॉम अ कंबाइंड रीडिंग ऑफ प्रोबेशन एंड द प्रेसिडेंट इट कैन बी स्टेटेड दैट द ओनली डिफरेंस बिटवीन एफआईआर एंड जीरो एफआईआर इज दैट एफआईआर इज रजिस्टर्ड वेयर इंसिडेंट हैज अकर्ड इन द ज्यूरिसडिक्शन एंड जीरो एफआईआर इज रजिस्टर्ड वेयर एनी पुलिस स्टेशन एट एनी पुलिस स्टेशन इररिस्पेक्टिव वेदर द इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस ऑर नॉट where I can conclude whether they have the jurisdiction or they do not have. A zero FIR is immediately more efficient and is meant to provide quick redressal to the victim so that timely action can be taken after the registration of FIR. Zero FIR का concept ही ये है कि एक person को उसकी remedy से उससे right से वंचित ना रखा जाए, इसलिए उसको immediately at point of that certain point of time उसको कोई remedy दीजिए and that is in form of zero FIR. And third, very most important point, ये ललिता कुमारी versus State of UP की वजह से क्या हुआ? The impact of this prior judicial pronouncement of BSS is such that concept of zero FIR is introduced in section 173, subsection 1 of BNS 2023. तो देखो कितनी खूबसूरती से legislature ने ये भी ध्यान रखा है that कोई particular case law है, उसमें कोई चीज को enshrine किया गया, तो वो अब हम new laws में लेके आए। इवन अगर हम देखें आईपीसी सेक्शन 303 मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, बट उसका न्यू फॉर्म सेक्शन 104 में हमको देखने को मिल रहा है, जहां पे अब कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन डिस्क्रिशन है दैट आइदर दे कैन गिव डेथ सेंटेंस और लाइफ इंप्रिजनमेंट। जबकि पहले 303 अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों था? क्योंकि आर्बिट्रेरी था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो था ही उसमें एक रीजन, बट इट वॉज ऑल्सो आर्बिट्री जो कि ये प्रोवाइड कर रहा था कि लाइफ कन्विक्ट को आप सिर्फ और सिर्फ डेथ सेंटेंस दे सकते हो, दैट मीन्स कोर्ट हैव नो अदर ऑप्शन। तो फिर बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है उसको कैसे एक्सरसाइज करेंगे? दैट मींस लाइफ कन्विक्ट में कोई भी ऑफेंस किया तो हमको तो डेथ सेंटेंस ही देना पड़ेगा। बट दैट वाज रेक्टिफाइड इन सेक्शन 104 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जिसमें अब वहां पे एक लाइफ इंप्रिजनमेंट का भी ऑप्शन दे रखा है। क्लियर है? सो ब्यूटिफुली काफी सारी चीजें जो है अब लेजिस्लेचर ने केस लॉज प्रीसीडेंट से सीखते हुए वो सारी चीजों को एनुमरेट किया है हमारे न्यू लॉज के अंदर। तो न्यू लॉज आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड, और कह सकते हैं कि जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो कि अभी तक काफी समय से हमको इंपैक्ट में नहीं दिख रहे थे हमारे सीआरपीसी में, आईपीसी में, इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो फुल फ्लेजर बहुत अच्छे तरीके से लागू होते हुए दिख रहे हैं। सो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, जो जो हमने सेगमेंट्स डील किए वो अब इंपैक्ट मैंने क्यों बताया, क्योंकि हो सकता है आपको इंटरव्यू में चीजें पूछ ली जाए। सो यू शुड नो कि जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट बेसिकली इसमें तो इन्वॉल्व था ही था, इससे पहले हमारे निर्भया रेप केस में इन्वॉल्व हुआ था, जिससे कि हमारी जस्टिस वर्मा कमिटी बनी, उन्होंने इसका इंप्लीमेंटेशन का काम अच्छे से संभाला, जिसको कि अब इफेक्टिव एंड मैंडेटरी प्रोविजन कौन बनाता है? हमारा बीएनएसएस बताता है, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सो आई होप कि ये जो छोटा सा केस हमने डील किया आपको समझ आया होगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडे सेशन, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन। और कौन सा आपको केस लॉ चाहिए, डू मेंशन मी इट इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट वो जो केस है वो हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। वी विल मीट इन अनदर सेशन, टिल देन थैंक यू सो मच।